मैनेजर ऑन द मार्केटिंग प्लान अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पावर ईगल्स के साथ और इस अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ तकरीबन 1 year 3 months से कनेक्टेड हूँ. और एज अ स्टूडेंट आई एम 19 years old, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल स्टूडेंट एज वेल. अपनी स्टडीज के साथ साथ मैं इस अपॉर्चुनिटी को परसू कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट मैंने इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी ली हैं, बहुत सारी अर्निंग्स भी जनरेट की हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा जा रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये प्लेटफॉर्म वो सब चीज़ें सिखाता है जो कि एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउस वाइफ, एज अ जॉब पर्सन, या इवन आप पार्ट टाइम भी किसी काम को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह इज वन ऑफ दोज अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, आप अपने घर में रहते हुए, आप अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करते हुए, अपने तमाम जो मामलात हैं, अपनी स्टडीज हैं, उन सबको टेक केयर करते हुए साथ साथ इस काम को भी लेके चल सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सुपर ब्लेस्ड कि मैं मैम बीनिश अबू बकर, मैम सबा अदनान और पावर ईगल्स की इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हूँ, जो कि हमें वो सब कुछ सिखा रही है, हमें सब कुछ बता रही है जो कि शायद हमें डिग्रीज में या फिर यू नो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस में सीखने को नहीं मिलता है. और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी जाकर से शेयर करूँ, लाइक मैंने इस प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन किया या मेरे क्या कंसर्न्स थे या क्या रीजन था कि मैंने इसके साथ स्टार्ट किया, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरा तकरीबन 1 year से ऊपर का एक्सपीरियंस है. और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगस्त में इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्टअप लिया था. इट वॉज बैक वन मैं एफएससी के बाद कंप्लीटली फ्री थी एंड आई हैड नथिंग टू डू, मतलब एंटी टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन साथ साथ करके फ्री हो चुकी हुई थी, एंड आई हैड टू फाइंड आउट समथिंग फॉर माई सेल्फ जिसके थ्रू मैं मतलब यू नो कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ, मुझे कोई स्किल सीखने को मिलती है तो मैं उसको ले सकूँ. एंड अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए फाइंड आउट कर सकें या स्टेबलाइज कर सकें तो वो किसी को बुरा नहीं लगता, राइट? तो सिमिलर इज द केस फॉर मी, लाइक मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए था. आई एम अ वेरी लाइक होमबडी पर्सन, मुझे ज्यादातर बाहर जाकर किसी भी चीज को कैटर करना या मतलब बहुत ज्यादा बाहर जाना नहीं पसंद है. मैं कुछ ऐसा फाइंड आउट करी थी कि जिसमें मुझे टाइम के लिए भी बाउंड ना होना पड़े, मुझे स्पेस के लिए बाउंड ना होना पड़े, मुझे कहीं पर फिजिकल अपीयरेंस ना देनी पड़े, मुझे किसी मतलब किसी के अंडर ना काम करना पड़े. क्योंकि देखिए जब आप किसी के अंडर होते हैं ना तो वो सब चीजें जिसके साथ, लाइक लेट्स से मैं कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मैं मेरे ऊपर एक बॉस है पर्सन, तो क्या है कि उसका हमें नुकसान नहीं होगा कि वो पर्सन हमारे लिए हमारी टाइमिंग्स, हमारी स्ट्रेटजीज, हमारा काम, हमारी ड्यूटीज सब कुछ वो डिसाइड करते हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी. ऑब्वियसली स्टार्ट में सबको डाउट्स भी होते हैं, कंसर्न भी होते हैं, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इस काम के लिए बनी भी हूँ या नहीं बनी हूँ, या आई डोंट नो मतलब ये मेरे लिए वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा. ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स आपके जहन में होते हैं, या मैं मतलब 2cc किस तरह से करूँ जो हमारा मेजर कंसर्न होता है, मतलब मेजरली लोगों का. लेकिन एक 2cc अगर आपकी आने वाली सारी जिंदगी को आपके लिए चेंज कर सकता है तो आई वुड से कि हमें लेना चाहिए. और ऑब्वियसली मतलब वी नेवर नो हमारी कितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, तो अगर हमने उस जिंदगी को भी एहतियात से चल चल के गुजारना है तो फिर मतलब हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे. तो आई बिलीव सो कि आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको अपने लिए अपने अच्छे फ्यूचर के लिए इनिशिएटिव्स देने चाहिए. और ऑब्वियसली आजकल सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. इवन एज यू नो कि मतलब पिछले दिनों लाहौर में स्मोक की वजह से लाइक उन्होंने पार्शली लॉकडाउन लगाया था, मतलब लोग आ जा नहीं रहे थे. एजुकेशनल सिस्टम, खाने पीने का, यू नो ग्रोसरीज का, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी हुई है. तो अगर हम विद टाइम, विद स्पेस और हमारी जो टेक्नोलॉजी चल रही है हम उसके साथ मूव ऑन नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. एंड ऑब्वियसली मतलब यू नो एक चीज में अगर आप पीछे रह जाते हो तो मतलब आप लेफ्ट बिहाइंड फील करते हो और फिर आपको ऐसे लगता है कि मतलब शायद आप दोबारा उसी पेस के साथ मतलब बाकी दुनिया के साथ मार्च करके नहीं चल सकोगे. तो दैट वॉज ऑल्सो इन माई माइंड. और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी कोई स्किल, कोई ऑनलाइन काम, कुछ भी इवन लाइक समझने कोई ट्रेनिंग कोर्स कुछ भी अटेंड नहीं किया हुआ था. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड आई नेवर प्लान्ड, आई वुड से ऑनलाइन काम करना कभी मेरे प्लान में भी नहीं था. लेकिन आई समहाउ से दिस कि बात चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला ने आपके प्लान में लिखी होती है, राइट? मतलब एक चीज होती है जो हम अपने लिए डिवाइस कर रहे होते हैं, एक चीज होती है जो अल्लाह ताला हमारे लिए डिवाइस कर रहा होता है. और जब अल्लाह ताला खुद कहता है ना कि कोई भी चीज जो आपके पास हो रही है या आपके साथ हो रही है इस दुनिया में, मतलब अल्लाह ताला ने बनाई है, क्रिएट की है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई इंसान है, तो उसका मकसद है. तो अगर ये प्लेटफॉर्म, अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी तो इसका कोई मकसद था. अगर ये आज आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो इसका कोई मकसद है, ठीक है? अल्लाह ताला आपको चांसेस देते हैं, अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जैसे हिदायत पे आने के लिए देते हैं ना, वैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी देते हैं. तो आई वुड से कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी कोई जहन में डाउट्स रखे हुए हैं या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको आज सॉर्ट आउट करें और आज ही इस अमेजिंग, इस ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने जहां पर यूथ एम्पावरमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, इवन हर तरह के, लाइक ऐसा कोई शोभा, ऐसा कोई मेजर कोई प्रोफेशन नहीं है जहां से लोग यहां पर काम ना करते हो. आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप यू नो पीएचडी स्कॉलर हैं, आप कुछ भी हैं, मतलब आपको हमारे पावर ईगल्स के प्लेटफॉर्म में हर एक बैकग्राउंड का पर्सन मिलेगा. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट किया. एज आई टोल्ड यू इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय प्लान, लेकिन अल्लाह ताला ने ये प्लान मेरे लिए बनाया था. और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज, जो प्लान अल्लाह ताला आपके लिए डिवाइस करता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता. तो कंसिडर योर चांस, कंसिडर योर साइन. अगर आपको कुछ नजर आ रहा है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो स्टेप इन करें. अगर आपको लग रहा है ना कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर कोई तीसरी चीज मैटर नहीं करती है. लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मतलब घर वाले क्या बोलेंगे, पता नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, उन सब चीजों को पीछे छोड़ के अपने लिए स्टेप लें. एक छोटा सा रिस्क अगर आपकी सारी जिंदगी को चेंज कर सकता है तो प्लीज अपने लिए ये स्टेप उठाएं, ठीक है? ये मैं कहना चाहूंगी. और अल्हम्दुलिल्लाह एज आई वाज टेलिंग यू कि मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी कोई काम नहीं किया था. लेकिन जब मैंने 3 days का कोर्स लिया ना, मैंने मतलब यहाँ पर आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 days का कोर्स दिया जाता है जिसमें सबको सिखाया जाता है, बताया जाता है. सिमिलरली मैंने भी वो कोर्स अटेंड किया, तो उसमें एक चीज जिसने मेरे माइंडसेट को बहुत ज्यादा कैच किया, दैट वॉज पैसिव इनकम.
पैसिव इनकम के बारे में हमें कभी किसी ने नहीं बताया था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आके मुझे पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट जो है पता चला। मुझे पता चला कि जॉब के अलावा भी दुनिया में तरीके हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और एक ऐसा सोर्स जिसमें आप अवेलेबल नहीं भी है तो आपको इनकम आ रही है। और ये मेरे बड़ा सरप्राइजिंग था। एंड व्हेन आई सॉ द प्लान, मैंने जब सब कुछ देखा और मुझे पता चला कि यार मैं यहाँ पर मल्टीपल वेज से कमा सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक्टिव इनकम जनरेट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकती हूँ, मुझे बाउंड नहीं होना, मुझे किसी के लिए लाइक रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है, मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम को देखना है, तो फिर मतलब मैंने अल्लाह तआला से दुआ की। और ऑब्वियसली जब आप अल्लाह तआला से दुआ करते हैं ना, अल्लाह तआला को बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। और दिस वाज लाइक आई वुड से माय स्टोरी। और फिर मैंने विद इन नो टाइम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्टअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एक साल से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है, और अल्लाह तआला का शुक्र है कि मैंने तब ये डिसीजन लिया अपने लिए। क्योंकि देखिए एट द एज ऑफ 19 लाइक आई एम मेडिकल स्टूडेंट, ऑब्वियसली स्टडीज के साथ साथ लेके चलना चीज़ों को या यू नो कोई जॉब केटर करना, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म ने लाइक मुझे अपनी एज पर अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 19 वो स्किल्स सिखाई कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 figures अर्नर हूँ। मैं लाइक ऐसा नहीं है कि हम थाउजेंड्स में कमा रहे हैं, आपका जितना एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जितनी एफर्ट है, आपका जितना मुराल है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कमा सकते हैं। लाइक अगर आप कंपेयर करें ना कि जॉब आपको 4-5 सालों में या 10 सालों में या 15 सालों में क्या देती है, और ये प्लेटफॉर्म पावर ईगल्स फॉरएवर आपको 5-10 सालों के अंदर क्या देता है, तो आप शॉक हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर इतने काबिल भी हो सकते हैं कि आप गाड़ी ले सकें, इतने काबिल भी हो सकते हैं कि यू नो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने स्टडीज के एक्सपेंसेस उठा सकें, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जा सकें। अल्लाह मुबारक, हमारे बहुत सारे बहुत अमेजिंग लीडर्स ने यहाँ से अर्निंग्स करके घर भी बनाए हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, इवन हमारे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने अपनी शादी के एक्सपेंसेस इस प्लेटफॉर्म की वजह से खुद उठाए हैं। तो अगर हम सब कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पावर ईगल्स के साथ इस टाइम 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो अगर वो 10,000 लोग इस चीज़ के लिए स्टेप इन कर सकते हैं, अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। वी आर नो डिफरेंट, सब इंसान, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात हमें बनाया, सब एक बराबर है, सबको अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, तो उस अकल को उस समझ को इस्तेमाल करें और अपने लिए ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएं। ठीक, अगर मैं एक स्टूडेंट होकर एक 19 इयर्स ओल्ड लड़की होकर ये सब कुछ अपने लिए एक साल के अंदर अंदर अचीव कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्लेटफॉर्म की वजह से हुई। अगर आज मैं इस तरह से एक ऑडियंस के सामने बात कर पा रही हूँ तो वो भी शायद इसी प्लेटफॉर्म की वजह से है। अगर मुझे एक साल पहले कहा जाता कि कैमरा के सामने आके बैठो और बात करो तो शायद मैं नहीं कर सकती थी। आई वॉज सो इंट्रोवर्टेड, लाइक बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं थी, क्योंकि एज अ टोल्ड यू कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मैंने कभी कोई काम इस तरह का किया था जिसमें मुझे ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स दी है, इसने मुझे पब्लिक डीलिंग सिखाई है, इसने मुझे मेरे सोशल मीडिया का, मेरे टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन सिखाया है, इसने मुझे सिखाया कि यार जो टाइम तुमने स्क्रॉल करके या फिर तुमने इधर उधर की बातें सुनकर या ड्रामे देखकर गुजारना था, वो तुम कमाने के लिए भी गुजार सकती हो। एंड एट द एज ऑफ 19 अगर एक बच्चा या एक बच्ची अपने घर में 2-3 लाख रुपीज कमा कर दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स खुश होंगे, राइट? और अल्हम्दुलिल्लाह आप प्राउड फील करवा सकोगे अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, इफ यू आर अ वाइफ तो आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। लाइक इंशाल्लाह यू कैन बी एन एग्जांपल फॉर योर फैमिली, फॉर योर सराउंडिंग्स, ताकि वो भी आपसे कुछ सीखें। हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के एज ग्रुप के एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि यार देखिए यहाँ पर आपसे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं कर रहा है, आपसे यहाँ पर कोई डिग्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं कर रहा है। इफ यू हैव द पैशन इन यू, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, सिर्फ ये चीज़ रिक्वायर्ड है। और साथ में क्या, सिर्फ एक 2cc का इनिशिएटिव है जो आपको लेना है, एंड यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल एट 360 degrees। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ मेरे बड़े अमेजिंग अमेजिंग स्पीकर्स मौजूद हैं जो आपके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे, जो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या सोच कर ये डिसीजन लिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम यहाँ से क्या क्या अचीव कर रहे हैं, और आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हैं तो आप यहाँ से क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। और फिर मैंने फॉर्म फिल किया और मेरी मैनेजर की टीम ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे गाइड किया, और इतना मतलब मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं रहा, मेरे लिए ना डिसीजन लेना डिफिकल्ट नहीं रहा। हाँ, जब वो एक मसला आ जाता है 2cc का, वो भी मेरी तरफ से तो क्लियर था, बट आपको पता है एज अ हाउस वाइफ हस्बैंड को फिर समझाना और वही चीज़ें उनको सब कुछ गाइड करना है। जैसे हर चीज़ के लिए हम मना सकते हैं अपने हस्बैंड को, वैसे मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत बताया इसके बारे में कि ये कितना बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो वो मान गए। और विद इन 2 months के अंदर अंदर मैंने अपना 2cc लेवल जो सा है डन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सून इंशाल्लाह ताला अपना सुपरवाइजर भी अचीव करूंगी। एंड हम यहाँ पर फर्स्ट आते ही हमारा ये होता है माइंडसेट के पता नहीं कैसे काम करना है, काम क्या है, मेन पॉइंट मेन जो होता है क्वेश्चन वो यही होता है। बट मेन ये है कि हम यहाँ पर बोर्न बेबी की तरह आते हैं, लुक लाइक, जैसे किसी को नहीं पता होता है बेबीज को कि ये इंग्लिश की बुक है, उर्दू की है, सेम एज इट इज। बट अल्हम्दुलिल्लाह इधर इतना ये ब्लेसिंग है, ये हम सब हमारी फैमिली पावर आर्ट की टीम इतनी ब्लेसिंग है कि वो आपको बताती है आपको जीरो से हीरो कैसे बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हैं आपको। ऐसे बोर्न बेबी की तरह आप स्टार्ट करते हैं अपना काम, एंड आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, आपको गाइडलाइन पावर आर्ट्स एंड हर तरह की गाइडलाइन आपको आपकी टीम की तरफ से, आपको आपके मैनेजर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और माशाल्लाह आप विद इन 1 month के अंदर मैं अपना पे चेक मैंने अचीव कर लिया था, अपना पे चेक जनरेट कर लिया था, बनाना शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं और लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के दौर में बहुत अहम है, खासकर खास बेटियों की माओ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उनको। तो मेरी एजुकेशन जो चुना के आईकॉम है, मैं किसी वजह की से मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का, बट जब मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा मैं बहुत ब्लेस्ड हुई कि शुक्र है मैं एक राइट जगह पर आ गई हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे
मुझे इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यही लगी कि आपको पता होगा जैसे पहले कोविड के सिलसिले में काफी लॉकडाउन और काम की बंदिश और वो सब कुछ हुआ था, फाइनेंशियली भी मेंटली भी आप जो है डिस्टर्ब होते हैं, और नाउ डेज आप स्मोक को देख लें, स्मोक की वजह से भी ऑफिस में 50% हाजिरी शुरू हो गई एंड स्कूल भी ऑफ रहे, तो उस वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है आपकी लाइफ ना. लेकिन हमारा ये हमारा काम ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं, लर्निंग करते हैं बहुत ज्यादा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है. मैं कुछ ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले कि आप अगर ज्वेलिया देखते हैं तो मैं बिल्कुल भी इस तरह नॉन स्टॉप बात में भी नहीं कर सकती थी. अलहमदिल्ला मुझे इतना कॉन्फिडेंट आया इधर से. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिलीव होना चाहिए अपनी जात पर, अल्लाह ताला पर, कि हम कुछ कर सकते हैं. लेडीज भी किसी से कम नहीं है, बेटियां भी बेटे बन सकते हैं अलहमदिल्ला, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक पे हमें यकीन होना चाहिए और हमें अपने औलाद के लिए अपनी नस्लों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए. एंड लास्ट में मैं सबको यही कहूंगी कि अपने लिए फर्स्ट स्टेप लें, अपने लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने लिए फर्स्ट स्टेप लें. अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो. हाउसवाइफ माशाल्लाह, और माशाल्लाह इन्होंने अपने लिए स्टेप अप किया, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक एग्जांपल बनने के लिए. इंशाल्लाह आप सब इस काबिल हैं कि आप लोग कर सकें, अपने घर को, अपनी फैमिली को एम्पावर कर सकें. और अलॉन्ग विद दैट आई वुड से वन थिंग हियर, हमारी आजकल की जो यूथ है ना, उसका माइंड सेट आई वुड से क्या है, हम बीएस करेंगे, हम एमबीबीएस करेंगे, हम बीडीएस करेंगे, इवन कोई आईटी की डिग्री लेंगे, बीएस करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद हम बाहर चले जाएंगे, बाहर जाकर हम अपने लिए डॉलर्स में, दिरम्स में या पाउंड्स में, या जैसे हमारे पास कैनेडियन डॉलर्स हैं, ऑसी डॉलर्स हैं, मतलब डिफरेंट करेंसीज में हम अपने लिए इनकम जनरेट करेंगे. लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है वो ये, हम अपनी गवर्नमेंट पर ब्लेम डालेंगे, हम अपने हुक्मरानों पर ब्लेम डालेंगे, हम कहेंगे हमारा सिस्टम नहीं अच्छा है, हम कहेंगे कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो देखें यहाँ पर लाइक वन थिंग आई वुड से, यहाँ पर हमारी आवाम को लाइक अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है पावरीगल से, यहाँ पर आपको आपके घर से बैठकर सारा कंफर्ट, सारे काम का जो स्ट्रेटजी है वो आपको घर से बैठ के बिल्ड करनी है. कहीं जाना नहीं है, कोई मेहनत मशक्कत वाला काम नहीं है, कोई आपने मतलब यू नो ऐसा कोई फिजिकल हार्डवर्क वाला काम नहीं है. लेकिन यहाँ पर रहकर हमें ये मेहनत करनी पसंद नहीं आ रही है इस टाइम. ऑन दी अदर हैंड हम लाखों रुपया लगाएंगे, लाइक मे बी 15 लाख, 20 लाख, समटाइम्स 50 to 60 lakhs, फिर हम एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे, क्योंकि यू नो हमारे यू नो जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू को इन चीज़ों की वजह से इतना ज्यादा गिरा दिया गया है कि मतलब हमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है कि हम बाहर के लिए अप्लाई करते हैं. तो यू नो उस चीज़ को देखते हुए, लेकिन यू नो हम बाहर जाकर मतलब हम कहीं पर वेटर के लिए काम, मतलब वेटर या वेटर्स के तौर पे काम करने के लिए भी तैयार हैं, हम बाहर जाकर यू नो किसी स्वीपर का काम करने के लिए भी तैयार हैं, हम बाहर जाकर डिलीवरीज देने के लिए भी तैयार हैं. लेकिन यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमें एक कम्फर्ट जोन में एक काम मिल रहा है जिसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप वाकई ही सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म देखें और फिर आप इस सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने की अमाउंट देखें, तो यू विल सेव योर सेल्फ कि हाँ नहीं वाकई इफ आई कंपेयर द वैल्यू टू द अमाउंट, तो वाकई ही वो अमाउंट वन टाइम कुछ भी नहीं है. ठीक, तो द थिंग इज कि आई विल से टू यू ऑल कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, अपने लिए यू नो उन चीजों को फाइंड आउट करें जो आपको आपके मुल्क से बैठकर बाहर का सरमाया आपकी कंट्री में लाने की इजाजत दे, या समझ लें आपको वो अथॉरिटी दे. तो प्लीज प्लीज अपनी कंट्री को एम्पावर करें, अपनी कंट्री में रहते हुए अपनी कंट्री के लिए काम करें, ताकि यू नो हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन भी पहचाने जा सकें, और जो हमारे यू नो ये एक हमारा जो समझ इमेज है वो डिस्टर्ब्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस तरह है उस तरह है, तो उस चीज को ओवरकम कर सकें. बोलने का मौका दिया है, थैंक्स फॉर माय रिस्पेक्टेड मैनेजर्स. मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, यही कहना चाहूंगी कि यू हैव टू एम्पावर योर सेल्फ फर्स्ट. जब आप खुद को एम्पावर करेंगी तो फिर आप बाजू बन सकती हैं अपने हस्बैंड का, आप बाजू बन सकती हैं अपने बाबा का, आप बाजू बन सकती हैं अपने भाई का. ठीक है, मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूं तो मेरे पास माशाल्लाह से ऑनवर्ड 2016 मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, उसके बाद से मेरे पास माशाल्लाह से टीचिंग एक्सपीरियंस है 2023 तक. टीचिंग एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो मैंने कॉलेज लेवल में पढ़ाया, मैंने स्कूल लेवल में पढ़ाया, 50+ सैलरीज भी ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जाके कुछ भी नहीं बचता था. और उसका रिजल्ट ये होता था कि अगर आपसे आप बीमार हो गए, आपको कोई घर में परेशानी आई है, आपने एक छुट्टी कर ली, आपने दो छुट्टियां कर ली, आप 5 मिनट लेट हो गए, तो आपकी जो सैलरी थी उसमें से जो डिडक्शन आपने बर्दाश्त करनी है वो सारी चीजें. तो जाहिर जब इंसान को जरूरत होती है तो यू हैव टू बेयर ऑल देयर थिंग्स, तो वो सब करते कराते. लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, ही वाज अनएबल टू डू एनी वर्क, और मुझे उनकी उनको सर्व करना था, उनकी खिदमत करनी थी, तो मैं बाहर जाके सुबह 8 से 2-3 बजे तक सर्विसेज नहीं दे सकती थी. दैट्स वाई मैंने जॉब क्विट की, मैं घर में ही थी, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म. और फॉर्चुनेटली मुझे स्क्रॉलिंग के दौरान, जैसे होता है आप सब भी स्क्रॉलिंग के थ्रू ही अभी माशाल्लाह से यहाँ बैठे होंगे, मुझे मैं और फिर मैंने अपना जो 2C एक्टिवेशन था वो मैंने करवा दिया, और आई एम नाउ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म हियर. और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी स्टेप उठाना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए. बहुत सारे हमें से एट द एंड पॉइंट आकर ये बोल देते हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो पेरेंट्स और हस्बैंड को मनाना हमारे हाथ में, हम मना सकते हैं. वाई? बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव प्लेटफॉर्म. आप सारी चीजें चेक करके, सारे सेशंस लेके, सारे सीनियर मैनेजर्स से कैमरे पे मिलते हैं, और स्कैमर्स आप
आपको बाय फेस नहीं मिलते, जहां तक मुझे पता है स्कैमर जहां तक हो सकता है खुद को छुपाने की कोशिश करता है, वो सामने नहीं आता, वो कोई झूठा नाम लगा लेता है, झूठी कंपनी चला लेता है, कुछ महीने की बात होती है और ये तो 46 इयर्स ओल्ड चलती है कंपनी है, और जो टीम पावर गर्ल है उसका इतना माशाल्लाह से नाम है, उसके मैनेजर्स इतने नामी ग्रामी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी पहचान है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में अगर इन्वेस्ट करना है तो ये अल्लाह की तरफ से एक आप लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि एक अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, क्योंकि वो मुसब्बिब अलअसबाब है, तो अस्बाब ऐसे ही बनाता है, ये आप लोगों के लिए एक सबब है, एक असबाब है, आप इसको अवेल करें, इसको रायगा ना जाने दें, ताकि आपकी आने वाली नस्लें, आपकी खुद की जिंदगी संवर जाए, बेहतर हो जाए। वो किस तरह, इस तरह की जैसे आप मार्केट में चले जाते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, फिर आप अपनी जेब की तरफ देखते हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं होती, तो फिर आप वहाँ पे अपने दिल को जैसे अरमान नासुओं में बह गए करके वापस चले आते हैं। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद जहाँ तक मैंने समझा है, जितनी स्किल्स मेरी पॉलिश हुई, आपको फिर अपनी जेब की तरफ देखने की नौबत नहीं रहती, फिर आप वो सब कर जाते हैं जो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं। सो आप एक प्राउड बीवी, एक प्राउड वाइफ, एक प्राउड बेटी, एक प्राउड बहन बन सकती हैं इस पॉजिटिव प्लेटफॉर्म का पार्ट बनके। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज शब जुमा भी है, इस शब जुमा की बरकत से अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सब आप सब दुआ करें आज की रात की, आप लोगों के लिए बेहतरी जो है वो अल्लाह आप लोगों को करे, और देख लेना जैसे ही आप लोग स्टेप लेंगे आफ्टर दुआ, आप लोगों के साथ सब कुछ बहुत बेहतर होता चला जाएगा। थैंक यू फ्रॉम माई साइड मैम, ओवर टू यू। माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी था, डिग्रीज भी थी, सब कुछ था, लेकिन व्हाट वाज नॉट अवेलेबल, सर्कमस्टांसेस। वो अपने घर से बाहर जाकर काम को नहीं कर सकती थी, उनके पास ये अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं थी, या अल्लाह ताला की मर्जी में शामिल नहीं थी कि वो बाहर जाकर काम कर सके। और वाकई ये मैंने भी अपने मेंटर से ही ये सीखा है कि यू नो जब अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज से लेट से, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं स्कैम हो गया हमारे साथ, मतलब कोई 20,000 आया हो गया, 30,000 आया हो गया, 50,000 आया हो गया, 2-3,000 रुपीज़ आया हो गए, मतलब हमने सबमिट करवाया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने सबमिट करवाया मतलब उन्होंने आगे से हमें जवाब नहीं दिया, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, बहुत सारे मामला होते हैं, ठीक है। लेकिन वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई सीनियर्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपके अमाल को देख रहा है, कहीं ना कहीं हम वो चीज़ दुनिया में भर के जाते हैं, ठीक। तो देखिए लेट्स से लाइक इफ वी स्कैम पीपल या इस तरह का कुछ होता है, तो एज ज़किया हैज़ सेड के माशाल्लाह हमारे मंथली मीटअप्स होते हैं, हमारे यू नो मतलब सेमिनार्स होते हैं, हम लोग प्रॉपर यू नो आप लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग आपको अपनी लाइव अपीयरेंस शो करते हैं, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट्स लाजमी तौर पर कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो अगर आपके साथ स्कैम करना ही मकसद होता तो क्या ये चीज़ इतने ओपन लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर की जा रही होती? That's not possible, right? कोई मतलब ऑब्वियसली आप YouTube पर भी डिफरेंट, फिर हाँ लोगों का सबसे मजे का क्वेश्चन आता है, मैंने YouTube पे सर्च आउट किया तो मेरे सामने ये वीडियोस आई, वो तो उसमें ऐसे बोल रहे थे, वो तो उसमें वैसे बोल रहे थे। एंड आई से वन थिंग टू देम, जब एक चीज़ इन ट्रेंड होती है, जब एक चीज़ का स्कोप लोगों को नजर आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ के, एक कॉन्सेप्ट के हेटर्स भी होते हैं, उसके लवर्स भी होते हैं। वी कैन नॉट यू नो पोज एनीवन, या हम किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे माइंडसेट के साथ मैच करे। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से फायदा हुआ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ अचीव करने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक बहुत अमेजिंग ऑनलाइन फैमिली बनाने को मिली। Why? Because I was consistent, मैंने काम किया, मैंने टाइम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी एफर्ट दी अल्लाह ताला ने मुझे उसके अकॉर्डिंग उसका रिवॉर्ड भी दिया, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला पे ट्रस्ट था, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट था, एंड आफ्टर ऑल मुझे अपने सीनियर्स पे, अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने लिए हुए डिसीजन पे ट्रस्ट था। तो प्लीज़ जो पर्सन भी आपको यहाँ पर लेकर आ रहा है, वो वाकई ही आपके लिए बेहतरी चाहता है, वो वाकई ही आपका वेलबींग चाहता है, दैट इज़ वाई ही वो आपको यहाँ पर इन्वाइट करें। यहाँ पर हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के लिए मुखलिस हैं, सिंसेयर हैं, हम एक दूसरे की खुशी पर खुश होते हैं, हम एक दूसरे की अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ यू नो मतलब वो कहते हैं ना 1 अकेला और 2 11, यहाँ पर वो सीन है। आप किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से अप्रोच करके उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए मतलब वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, एक मतलब समझ लें कम्फर्ट एरिया आप उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड यू नो जब आप किसी के लिए बेहतरी करते हैं, as I was saying this before, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए बुरा नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, अल्लाह ताला से दुआ करें और इस प्लेटफॉर्म के लिए स्टेप इन करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप जरूर जरूर जिस मकसद के साथ, अगर आपका मकसद नेक है, अगर आप वाकई ही मतलब यू नो हम कहते हैं कि हम जो किसी दूसरे के हक में मतलब दुआ करते हैं ना, तो वो हमारे लिए कबूल होती है। तो आई वुड से दिस कि अल्लाह ताला आप सबको वो चीज़ें अकम्पलिश करने की हिम्मत भी दे, आपको उसका चांस भी दे जो कि इस टाइम आपको दे रहा है, तो ताकि आप अपने लिए उस ड्रीम लाइफ को, उस तमाम लाइक समझ लें चीज़ों को, उन ड्रीम्स को अपने लिए अचीव कर सकें जो कि आप हमेशा से अपने ज़हन में रख रहे थे। लाइक माई ड्रीम इज, इट वॉज लाइक बिफोर कि मतलब मैं किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लाइक आउटसाइड द कंट्री काम करना चाहती हूँ, लाइक इट वॉज लाइक दैट फॉर मी बिफोर, क्योंकि पहले मुझे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि यार पाकिस्तान में रहकर इतना कुछ कर सकते हो, या फिर ना पाकिस्तान में रहते हुए भी कि अच्छी इनकम एक जनरेट अपने लिए कर सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आई वुड से कि आई वुड लव टू वर्क फॉर माय पीपल, फॉर माय नेशन। मैं पाकिस्तान में रहते हुए आई वांट टू सर्व पीपल, आई वांट टू यू नो सर्व ह्यूमैनिटी। देखें सबसे जो भी है एनीथिंग, सब कुछ असाइड, लेकिन सबसे पहले आप एक दूसरे के साथ इंसानियत के रिश्ते से कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई प्रॉमिस देश के टीम सबादान से या पावर ईगल्स की टीम से, आपके साथ कोई भी पर्सन इस नीयत से आपको नहीं लेकर आएगा कि वापस स्कैम करे,
या वो आपके साथ बुरा करे, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक मेंटर है, एक से बढ़ के एक लीडर है जो आपको सब कुछ सिखाएगा, आपको सब कुछ बताएगा, आपको इस काबिल बनाएगा। लाइक वी से दिस, मैं ये कहती हूँ कि एक नर्सरी के स्टूडेंट की तरह आप यहाँ पर आते हैं और हम आपको टेंथ से पास आउट करा के तो आगे कॉलेज में भेज देते हैं। कॉलेज में जाकर कुछ हद तक आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप सीख रहे होते हो, एंड आफ्टर लाइक स्टेप बाय स्टेप आप सब चीज़ों को सीखते जाते हो, सब चीज़ों को अकम्प्लिश करते जाते हो, और साथ साथ लाइक आई वुड से आपको दुआएं मिलती हैं लोगों की, क्योंकि आप लोगों के लिए एक तरह से रिस्क कमाने का जरिया बनते हैं। आप लोगों को एक अच्छी वैलिड बात बता रहे हैं, जो कि हमारा दीन भी हमें कहता है कि जो चीज आपको खुद फायदा दे रही है उसको आगे फैलाएं। सिमिलर इज द केस हियर, आप लोगों ने जो चीज सीखी है, मतलब हम लोगों ने स्पेसिफिकली हम पावरी गर्ल्स ने, हम उसी चीज को उसी वैलिडिटी के साथ, उसी सच्चाई के साथ इंशाल्लाह आगे फैलाएंगे, ताकि हमसे मजीद लोग भी फायदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ले सकें, और आप अपने कंफर्ट में रहते हुए अपनी मर्जी की टाइमिंग्स को अवेल करते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान में बैठकर यू नो डॉलर्स में भी कमा सकते हैं, दिरहम्स में भी कमा सकते हैं, आप पाउंड्स में भी कमा सकते हैं, व्हाट नॉट, लाइक 170 कंट्रीज का मतलब है 170 करेंसीज, और आपको वो सब कुछ मिलेगा बाय वन स्टेप, दैट इज 2cc। मुश्किल है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एज इट वॉज लाइक वेल सेड, अल्लाह ताला ने भी बात बोली कि जहां पर आप कोशिश करते हो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो अगर आप इस इनिशिएटिव को लेने के लिए कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला की ज्यादा आपको रिवॉर्ड करेगी, अल्लाह ताला की ज्यादा आपके लिए असबाब भी पैदा करेगी, आपके लिए इसके लिए पाथवेज भी पैदा करेगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इनकम को जनरेट करते हुए अपने एक्सपेंसेस को खुद फुलफिल कर रही हूँ। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप लिया था, मुझे भी बहुत ज्यादा हर्डल्स को फेस करना पड़ा था। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम हमारा गुजरा था एक कोरोना का टाइम, जिसके अंदर जितने भी बिजनेसमैन थे या जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, सबके जितने भी वर्क वगैरह थे या जो जॉब करते थे, या तो उनकी जॉब चली गई थी या फिर बिजनेस में उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ था। सेम एज इट इज मेरे फादर भी जो थे वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं, आप उन्हें एक बिजनेस ओनर कह सकते हैं, वो थे। बट जब स्टार्टअप लिया मेरा 2020 के अंदर, जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ और मुझे जब कॉलेज में अपना लेना था, तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें फेस की, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस एकदम से डाउन आ गया हुआ था। मैंने देखा कि वो सारी चीजें मुझे अब नहीं मिल पा रही हैं जो पहले थी, बिकॉज कोरोना का टाइम पीरियड था, आपको पता है हर तरफ बंद था, सारा कुछ डाउन हो गया था, एंड देन मैं खुद कुछ करना चाहती थी। बट कुछ फैमिलीज में होता है जहां पर गर्ल्स को बाहर निकलना इतना ज्यादा नहीं कहा जाता कि नहीं गर्ल्स बाहर जाएं जाकर काम करें। सो मेरा भी बैकग्राउंड उस फैमिली से था जहां पर गर्ल्स को बाहर निकाला नहीं जाता था जॉब के लिए। सो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी, मैं सबसे बड़ी थी अपने घर की, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूं और मैं अच्छी जगह पर अपनी एजुकेशन ले सकूं। सो उस टाइम के ऊपर मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्चिंग की, मैंने बहुत ज्यादा स्कैम्स भी देखे, कहीं पे 1500 का स्कैम हो रहा है, कहीं पे 500 का, कहीं पे 250 का, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे हमारे साथ स्कैम हो रहे थे। एंड देन फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली मैम हिबा के थ्रू, मैंने जब अपना कॉलेज में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ी उसके बाद, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रियल प्लाथ नहीं मिल पा रहा था जहां पे मैं स्टार्टअप ले सकूं। देन मेरी कन्वर्सेशन हुई मैम हिबा से, एंड मैं चाहती थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकूं, बट सेम एज इट इज आप लोगों की तरह जब मुझे 2cc के बारे में पता चला, तो मेरे माइंड में भी यही आया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए आई थी अपने एक्सपेंसेस को खुद फुलफिल करने के लिए, बट मैं 2cc के अमाउंट को कहां से अरेंज करूं। सेम एज इट इज जैसे आप लोग अपने माइंड में आज ये सोच रहे हैं 2cc के बारे में कि हम 2cc को कैसे डन करें, 2cc क्या है, हमसे हो भी पाएगा या नहीं होगा, सेम एज इट इज आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ थर्ड सेमेस्टर की, और मैं भी इसी तरह से बैठ के सोच रही थी कि मैं किस तरह से करूँ। मेरे फादर के हालात तो पहले इतने नहीं है कि वो मेरी फीस भी पे कर सके, बट फिर भी मैं किस तरह से करूँ, मेरे पास इतने एक्सपेंसिस भी नहीं है, मेरे पास मेरी अपनी कोई चीज भी नहीं है जिसको मैं सेल आउट करके कर सकता, कि भाई नहीं आप अल्लाह पे यकीन रखें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें। एंड देन जब मैंने अल्लाह पे यकीन रखा, अल्लाह ताला से कहा कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो आप इसका खुद कोई ना कोई वसीला बना दे, तो अल्लाह ताला आपकी कहां से मदद करता है ये आपको भी नहीं पता होता। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर है वो कर देना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात की वो भी मान गए। और किस तरह से अरेंज की, सबके लिए मुश्किल होता है, अगर हमारे बैंक बैलेंस में 1,00,000, 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपए पड़ा हो या फिर 70-80 हज़ार भी पड़े हो, तो हम कभी भी ऑनलाइन बैंक की तरफ ना आए, हम कभी भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम ना करें, हम काम तभी करते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। एंड देन मैंने भी उस टाइम के ऊपर अरेंज किया, बहुत मुश्किल भी था, बट मैंने विद इन अ वीक अपनी अमाउंट को अरेंज किया, डिफरेंट लोगों से कहा, डिफरेंट जगह से कहा, बहुत ज्यादा लोगों ने नो भी बोला, बहुत ज्यादा लोगों ने नेगेटिव बात भी की, बट डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने पैशन को या आप जो जिस माइंडसेट के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, जिस माइंडसेट के साथ आपने अपने 3 डेज दिए हैं, आप उसको अवेल करते हैं या फिर उन नेगेटिव लोगों की बात सुनकर बैकआउट करते हैं। सो मैं अपने जो भी मैंने अपना डिसीजन लिया था मैं उसके ऊपर डिटरमिन रही, और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि सिर्फ आप वन टाइम उस पर प्रेस रखें एंड इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रस्ट किया, आसान नहीं होता, पेरेंट्स को मनाना भी आसान नहीं होता, आपको बार बार कहना पड़ता है। अब अगर आपने अपने किसी कॉलेज फंक्शन पर जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, अगर आपके फादर अलाउ नहीं करें, आपकी मदर अलाउ नहीं करी, डेफिनेटली वो एक कहने पे नहीं मान जाते हैं, आपने बार बार कहते हैं तो वो मानते हैं। तो सेम एज इट इज मैंने भी उन्हें बार बार कहा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन था और अल्लाह के ऊपर यकीन था कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स माने, इस अमाउंट को अरेंज किया गया, अरेंज करने के बाद मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्टअप लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही इनकम को जनरेट करते हुए मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैम हिबा ने बताया कि मैं 6 to 8 months यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, और 6 to 8 months से मैं अपने स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स होते हैं जिसपे आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को दे सकें, लेकिन आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद फुलफिल कर सकें। आप जब अपने एक्सपेंसेस खुद फुलफिल करते हैं तो आपके पेरेंट्स एक तरह से फ्री हो जाते हैं, आपकी तरफ से फ्री हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाती जाकर मुझे पॉकेट मनी दें, या मेरे यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं, या मेरे एक्सपेंसेस हैं, मुझे उन्हें फुलफिल करना है, मैं उनके पास नहीं जाती, वो देते हैं मैं ले लेती हूँ, नहीं देते मैं नहीं कहती उन्हें। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ऐसे आता है जिसपे आप अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, आप उन्हें देना भी शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक टीन एज की स्टूडेंट हूँ, मैं भी 20s में नहीं गई, मैं टीन एज में हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस भी फुलफिल कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी मैं एक शाई पर्सनलिटी थी, मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर मैम हिबा और जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, उन सबकी ही गाइडलाइंस की वजह से मैं आज आपके सामने बोलने आई हूँ।
जिस तरह से हम लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, जिस तरह से हमें सिखाया जाता है, हम जिस तरह से हमें पहले नहीं पता होता कि ये मैथ्स में है, ये टू का टेबल क्या है या फोर का टेबल है, हमें नहीं पता होता। तो सेम एज इट इज यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग लेकर आए आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें गाइड की जाती है अगर आप अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जहां पर आपको लाकर छोड़ दिया जाता है या फिर आपको ज्वाइन करवाकर आपके साथ कुछ स्कैम किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर लेकर आया जा रहा है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टीच एंड ट्रेन भी किया जाता है कि जितनी अमाउंट आपने यहाँ पर 2CC के लिए अपने लाइसेंस को परचेज करने के लिए लगाई है आप इसे डबल ट्रिपल कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और ये सारा काम आपको हमारे सीनियर्स सारा सिखाते हैं। यहाँ पर आपकी मंथली बेसिस पर स्पेशली ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। डेली बेसिस पर हमारे पावर आवर्स होते हैं जिसमें आपको ए टू जी गाइड किया जाता है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर ज्वाइन करवाकर हमें छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर हर सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को या अपने डाउनलाइन को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करें। और रही बात पेरेंट्स की या हस्बैंड्स की, तो मैं ऑल्सो आई एम स्टूडेंट हूँ और मैंने भी अपने पेरेंट्स को मनाया है और हमारे साथ बहुत ज्यादा हाउसवाइफ वर्क करें, यहाँ पर थोड़ा सा हर्डन फेस जरूर आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये खत्म नहीं होता। वो कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो जब आप थोड़ी सी हर्डन्स को फेस करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाते जाते हैं। तो एक दफा अपने ऊपर यकीन रख के, अल्लाह के ऊपर यकीन रख के, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से जरूर इस बारे में डिस्कस करें बगैर हिचकिचाए, बगैर हेजिटेट किए। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और अपनी फैमिली से इसको जरूर डिस्कस करें और जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें। क्योंकि जब आप अल्लाह के ऊपर अपना फैसला छोड़ें या अल्लाह के ऊपर आप अपने ट्रस्ट करके इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें तो कोई भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा और आप कोई भी लॉस में नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लिसनर। See a passionate one here, mashallah, mashallah. She's doing amazing here. और इनके साथ साथ हमारा हर person जो इस platform पे work कर रहा है इस time Power Eagles के साथ connected है, वो आपको इसी confidence के साथ, इसी passion के साथ अपनी story को बता सकता है, जैसे आज हमारे साथ इन तीन speakers जो कि available थे इन्होंने बताई। ठीक, अच्छा एक और question, like when I was listening to all this talk, मेरे जहन में बात है, people say this कि अगर हमारे पास 2CC की amount हो तो हम अपना काम ना शुरू कर लें या फिर हम कोई अपनी business strategy ना open up कर लें। तो you know what the thing is, first like difference between others platform and the समझने के दिस प्लेटफॉर्म, वन बेसिक थिंग इज ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है। ऑल द थिंग्स आर हेयर फॉर यू, ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम्स हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन ट्रेनिंग्स हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन प्लेटफॉर्म है। आपको क्या करना है, आपको इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है, सिमिलर तरीके से इस चीज को आगे लोगों को अवेयरनेस देनी है। कुछ बनाना नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना है, कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं करना है, बस जो सिस्टम आपको दिया गया है आपने इसको इस्तेमाल करना है और अपने लिए अर्निंग्स जनरेट करनी है। बट दैट इज नॉट द केस व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जब आप अपना काम शुरू करते हैं आपको पहले काम शुरू करने के लिए मतलब पैसे लगाने हैं, फिर आपको उसको मार्केट करना है, फिर आपको उसको एडवर्टाइज करना है, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा, आपको कोई आइडिया चाहिए होगा, समथिंग दैट यू नीड, राइट? मतलब उस चीज को आगे लेके चलने के लिए, उस चीज को आगे मतलब स्प्रेड आउट करने के लिए। तो द थिंग इज के उसमें लाइक लेट्स से मैं आज एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन करती हूँ या मैं एक शूज का ब्रांड ओपन करती हूँ या कुछ भी, लाइक व्हाटएवर माय इंटरेस्ट इज, देयर विल ऑलवेज बी अ चांस कि वो काम मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, वो काम मुझसे होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारा समझ रहे हैं, बहुत एक के बाद एक ब्रांड ओपन अप है जिसकी क्वालिटी, जिसके यू नो मतलब टेक्सचर्स हर चीज बहुत अच्छी है। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि मेरा काम शायद उस चीज में ना चल सके। लेकिन यहाँ पर दिस प्लेटफॉर्म इज सच अ ब्लेसिंग, इट्स सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर आपके लॉस के चांसेस, अगर आप वाकई ही एक पैशन के साथ, एक एम्बिशन के साथ यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको यहाँ पर लॉस हो। ठीक, 2CC के अमाउंट के बदले में आपको लाइफ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मतलब कंपनी की तरफ से इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको कंपनी की तरफ से 170 प्लस कंट्रीज का एक्सेस मिलता है, आपको अपने घर का कंफर्ट मिलता है, आपको अपनी मर्जी की टाइमिंग्स मिलती हैं, आपको किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना है, आप अपनी अर्निंग्स को डिसाइड कर रहे हो, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं तो यू नो उसके लिए ये सब फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होगी, उसमें हमें बहुत सारा टाइम भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है एक नया बिजनेस आपको स्टेबलाइज करने में 1 या 2 साल भी लग जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो जितना टाइम उस बिजनेस को बनाने में आपको 1 या 2 साल का टाइम लग रहा है, उतने टाइम में आप फॉरएवर से गाड़ी, घर, इंटरनेशनल ट्रिप्स और पता नहीं क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। ऑल दैट मैटर्स इज योर माइंडसेट, इट्स योर एम्बिशन, इट्स योर ड्रीम। आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज योर रीजन, व्हाट इज योर व्हाई। ठीक, अगर आपके इस जहन में ये सब चीजें क्लियर हैं तो आप कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक, तो फॉरएवर आपको क्या दे रहा है, फॉरएवर आपको सब कुछ बना बनाया दे रहा है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है चीजों को, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है सिस्टम को, आपको सिर्फ यूटिलाइज करना है अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस को। दैट कंफर्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू अगर आप अपना कोई काम शुरू करते हो तो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग योर ओन वर्क एंड स्टार्टिंग विद फॉरएवर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सब ने यहाँ से कुछ सीखा है, यहाँ से यू नो मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए सिस्टम मिल रहा है, आपको लाइफ टाइम के लिए एक फैमिली मिल रही है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ फैमिली ऑफ 100 plus from forever, from online platforms, Insta से, Facebook से, TikTok से। तो if I can do this within 1 year and 3 months, तो आप में ऐसी क्या कमी है कि आप नहीं कर सकते हैं? Experience नहीं है, doesn't matter, कभी कोई काम नहीं किया, doesn't matter, आपकी personality बहुत shy है, does not matter, आपको सब कुछ हम सिखाएंगे। All you have to do is आपको अपने seniors की बात को सुनना है, आपको चीजों को implement करना है, you have to stay consistent and remember always why you started. Whenever, मतलब आप जब भी कोई चीज को स्टार्ट करने लगे, अपने लिए कोई नया इनिशिएटिव लेने लगे, एक तो अल्लाह ताला से ऑब्वियसली लाजमी दुआ मांगे, एंड द सेकंड थिंग इज द बिलीव इन योरसेल्फ कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और इसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल है तो ये गलत नहीं हो सकता, अल्लाह ताला मेरे हक में मुझसे कोई गलत फैसला नहीं करवा सकते।
राइट, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला आपसे 70 मार्क्स से ज्यादा प्यार करते हैं, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे आपके हक में गलत फैसला करवाए? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स को सुना भी और आपने सब चीजों को एनालाइज भी किया. आपके अपलाइंस, आप जिस पर्सन के साथ ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अगर आप उनसे जाकर इसके बारे में डिस्कस आउट करेंगे तो दे विल गाइड यू एज वेल. तो होपफुली आपके जो भी डाउट्स थे, आपकी जो भी क्वेरीज थी, इन तमाम एग्जाम्पल्स को देखते हुए, तमाम बातों को सुनते हुए, वो सब इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो गए होंगे. एंड होपफुली आप बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें यहाँ से अकम्प्लिश कर सकेंगे. जस्ट कंसिडर योर साइंस, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट अल्लाह सुभान व तआला एंड स्टेप इन. इंशाल्लाह आपके लिए बरकत भी होगी, आसानी भी होगी, एंड वी आर ऑल हियर फॉर यू टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू. अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानी रखे और आपका हामी नासिर हो. थैंक यू सो मच फॉर माय